चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ द कोल। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में देखा और एक कैसे प्राप्त होता है फॉसिल फ्यूल्स और कोल हमें कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ कोल, कोल के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें कोल से प्राप्त किए जाते हैं। तो जनरली कोल से जो है 3 प्रोडक्ट हमें प्राप्त किए जाते हैं और वो जो हमारा प्रोडक्ट होता है, एक होता है कोल गैस, कोल तार एंड कोक। तो हम कह सकते हैं कि कोल गैस, दूसरा हमारा होता है कोल तार, कोल टार और तीसरा हमारा जो होता है कोक होता है। ये जनरली जो है हमें कोल से क्या होता है, कोयले से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कोल गैस, कोल तार एंड कोक आर कॉल द प्रोडक्ट ऑफ द कोल, जो हमें कोयले से प्राप्त होता है प्रोडक्ट, इसलिए हमें इसे प्रोडक्ट ऑफ द कोल कहते हैं। तो बाकी हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। कोल गैस जो होता है ये एक प्रकार के कोयला से ही प्राप्त होता है। इसको हम कह सकते हैं कि कोल गैस इस गैसियस फ्यूल्स विच इज ऑब्टेन बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कोल इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम केक बनाते हैं तो उस समय कोल को इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, एयर के यानी ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में इसको स्ट्रांग हीट करते हैं। तो हीट करने से ही में कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। तो कह देंगे कि कोल गैस is obtained from the coal, it is obtained from coal when coal is strongly heating during the formation of coke। कोक का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कोल को जो है ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर के ऑब्सेंस में इसको जो है हीटिंग किया जाता है। हीट करने से जो हमें गैस प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं कोल गैस, ठीक ना। कोल गैस जो है मेनली आपका मिक्सचर होता है मेथेन और हाइड्रोजन का और कुछ उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होता है। यानी कोल गैस किस किस का मिक्सचर होता है, तो कोल गैस जो हमारा होता है मिक्सचर होता है मेथेन, हाइड्रोजन और कुछ जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी आपका पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कोल गैस जो हमारा मेथेन और हाइड्रोजन का मेथेन है आपका, ये मेथेन और हाइड्रोजन जो है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ये मिलकर बनता है। जितने भी गैस हमारे प्रेजेंट होते हैं कोल गैस में वो बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होने के चलते जिसके चलते कोल गैस जो है एक बढ़िया सा फ्यूल्स होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। और कोल गैस जो आप यूज़ हम करते हैं इंडस्ट्री में फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जब कोल गैस को जलाया जाता है तो ये जो है गुड अमाउंट ऑफ अच्छी मात्रा में हीट प्रोड्यूस किया करता है। और कोल गैस जो हमारा जलने के बाद जो हमारा बचता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोल गैस जो यूज होता है फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लंदन इन ईयर 1810। कह रहा है कि सबसे पहले कोल गैस का जो है स्ट्रीट गली में लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। वैसे तो कोल गैस को जब हम जलाते हैं तो जलाने पर हमें गुड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट बहुत ज़्यादा तो है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होता है, तो हीट अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे हम फ्यूल्स के रूप में क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक। कोल तार जो है आपका थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो अनप्लीजेंट, इसका स्मेल भी अच्छा नहीं होता है, विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द कोल इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर। यानी इसको भी कोल तार की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी जो है हम एयर के ऑब्सेंस में जब हम कोयले को हीट करते हैं इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर व्हेन कोल इज हीटिंग कोल तार जो है हमारा प्राप्त होता है एयर के ऑब्सेंस में जब इसको हम हीट करते हैं कोल तार हमें प्राप्त होता है। कोल तार जो होता है सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, ये भी आपका मिक्सचर होता है, इसमें 200 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट इन द कोल तार में,
इसके अंदर बेंजीन, टालवीन, नेप्थलीन, एंथ्रोसिन, फेनाल और एनिलाइंस सारे चीज़ों कोल तार में प्रेजेंट होता है। नेप्थलीन्स बाल जो यूज होता है रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्रोडक्शन होता है कोल तार का यूज़ करते हैं मेकिंग द सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक ड्राई, परफ्यूम, पेंट्स और इन सारे चीज़ को बनाने में कोल तार का हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ में भी हम कह सकते हैं इसको बनाने में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, सिंथेटिक ड्राई, परफ्यूम, पेंट यानी प्लास्टिक का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक, परफ्यूम, ठीक, सिंथेटिक फाइबर्स ये सारे चीज़ बनाने में हम यूज़, पेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, तो मैं भी लिख सकते हैं कि इसका यूज़ पेंट बनाने में किया जाता है। बात हम करते हैं कोक, कोक का हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो कोक जो हमारा कोक इज टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सबस्टांस होता है। कोक इज प्रिपेयर बाई हीटिंग द कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इसको भी हम एयर के अब्सेंस में, जब कोयले को एयर के अब्सेंस में जलाते हैं तो जलाने से हमारा कोक प्राप्त होता है, यानी हम भी कह सकते हैं कि इसको भी हम एयर के अब्सेंस में ही क्या करते हैं, जलाते हैं। जब कोक को हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर तो कोल गैस एंड कोल तार इज इलिमिनेटेड एंड द कोक इज लेफ्ट बिहाइंड द बैक रेसिड्यू, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो सबसे पहले कोल गैस निकलता है, कोल तार निकलता है, इन दोनों निकलने के बाद जो मेरा शेष बच जाता है, अवशेष जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं कोक, ठीक ना। तो ये प्रकार का जो टफ और ब्लैक सब्सटेंस होता है कोल माइंस वर्टाइल्स कंस्टिट्यूएंट्स इन द कोक, ठीक ना। जो कोल होता है कोल माइनस वर्टाइल्स कोयले में से जो ये सारा सब्सटेंस अगर निकाल देते हैं, निकालने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कोक बोलते हैं। तो कोक हमारा जो है कोयले से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज करते हैं, कोक जो है यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में हम कोक का जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये रहा हमारा प्रोडक्शन ऑफ कोक कैसे प्राप्त होता है, यानी तीनों चीज कह सकते हैं कि तीनों जो हमारा होता है तीनों जो है कोयले से ही प्राप्त होता है। सबसे पहले कोल गैस, कोल तार, उसके बाद जो रेसिड्यू बच जाता है हमारा क्या होता है, कोक होता है, ठीक। तो इसको आप नोट करें, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल के बाद फिर अगला टॉपिक हमारा नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स।